वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि बच्चों और पेरेंट्स को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही सभी जिलों में उपायुक्त को निर्देश भी दिया गया है वैकल्पिक व्यवस्था चलाकर 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग वाले किशोरों को वैक्सीनेटेड करने के दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए कहीं चिंता की बात नहीं है। बच्चे हैं तो उन्हें इंजेक्शन लेने से डर लगेगा और हमारा लगातार ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। बच्चों को अवेयरनेस के लिए हमारे लगातार प्रयास हो रहे हैं। सभी जिले के उपायुक्तों को ये निर्देश दिया गया है। अभी तो स्कूल बंद भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था चलाकर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेट करने की दिशा में काम कर रहे हैं, इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे तो स्वाभाविक है, आप बच्चे को तो नॉर्मल इंजेक्शन भी ले जाने के लिए आप देते हैं तो डरते हैं। हम लोग बड़े लोग भी थोड़ा सा ये इंजेक्शन के नाम पे डॉक्टर के नाम में थोड़ा भयभीत होते हैं, तो वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसको हम लोग दूर कर रहे हैं और लगातार प्रयास हो रहा है उपायुक्तों के माध्यम से, सिविल सर्जनों के माध्यम से, और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि ये बहुत तेज गति में भागेगा। जमशेदपुर शहर की साफ सफाई अब 12 नई मशीन से की जाएगी, जिसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शनिवार को किया। शहर को स्वच्छता की दिशा में और बेहतर कार्य करने के लिए मशीन लाई गई है। 4 करोड़ की लागत से 12 नई मशीन और सफाई वाहन जमशेदपुर एक्सेस की ओर से दी गई है। इन मशीनों में अत्याधुनिक सक्शन जमशेदपुर एक्सेस के अंतर्गत पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से ये वाहन सफाई के कार्य को करेंगे। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इन तमाम मशीनों का इस्तेमाल कर शहर को और स्वच्छ बनाया जाएगा, साथ ही लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की अपील मंत्री ने की है। साथ बता दें आपको कि जमशेदपुर अक्षर के विशेष पदाधिकारी ने कहा कि आने वाले दिनों में स्वच्छता के साथ साथ वायु प्रदूषण की भी जाँच होगी। अभी 4 करोड़ रुपया से करीब 12 गाड़ी क्रय की गई हैं, जिसमें एक गाड़ी है जो सड़क में आप देखते होंगे कि पहले टाटा कंपनी अपनी सड़क को जो है सफाई करवाती थी मशीन के माध्यम से, अब हम लोग ने भी वैसी ही मशीन बल्कि उससे भी बेहतर मशीन का क्रय किया है जो हमारी सड़कों को साफ सुथरा रखेगा। जेनेसी के अंदर जो सड़कें आती थी उसमें रोड स्वीपिंग की समस्या बहुत होती थी, मैनुअल तरीके से स्वीपिंग की जाती थी, उसको हम लोग इटालियन कंपनी डोलोनेवो है उसके बेहतरीन गाड़ी को खरीदा गया है ताकि पूरब और पश्चिम दोनों में जो है हमें जो है मैकेनाइज्ड स्वीपिंग से हम लोग रोड को क्लीनिंग कर।